हेलो दोस्तों, टेक्स न्यूज इंडिया पर आपका स्वागत है। ड्यू डेट की एक्सटेंशन के बारे में हमने काफी पोस्ट किए हैं, लेकिन सरकार जो है वो ड्यू डेट को एक्सटेंड नहीं कर रही। तो अब क्या है कि टैक्स ऑडिट रिपोर्ट अगर हम देर से दाखिल करेंगे तो उसकी पेनल्टी क्या है, इसके बारे में हम बताएंगे। और क्या हम इस पेनल्टी से बच सकते हैं, इसके बारे में भी हम बताएंगे। पहले दोस्तों, अगर हमें ये देखना है कि पेनल्टी जो है वो कितनी लगेगी, उससे पहले हमें यह जानना होगा कि टैक्स ऑडिट रिपोर्ट फाइल करने की और रिटर्न भरने की लास्ट डेट है क्या। तो असेसमेंट ईयर 21-22 के लिए अगर कंपनी के केस में टैक्स ऑडिट रिपोर्ट भरने की जो डेट है वो है 15-1-2022। 15-1-2022 तक हमें टैक्स ऑडिट रिपोर्ट जो है फाइल कर देनी चाहिए, और जो रिटर्न भरने की तारीख है वो 15-2-2022 है। और कंपनी के अलावा कोई और अदर पर्सन है उसकी भी डेट 15-1-2022 ड्यू डेट है टैक्स ऑडिट रिपोर्ट की, और 15-2-2022 है वो रिटर्न भरने की है। कि ट्रांसफर प्राइसिंग का केस है तो आपकी जो ड्यू डेट है टैक्स ऑडिट रिपोर्ट की वो 31-1-2022 है, और जो रिटर्न भरने की ड्यू डेट है वो 28-2-2022 है। काफी ऑर्गेनाइजेशंस ने रिप्रेजेंटेशन फाइनेंस मिनिस्ट्री को दी है कि हम ये ड्यू डेट बढ़ाकर, सारी ड्यू डेट्स बढ़ाकर 31-3-2022 कर दी जाए। पर अगर नई डेट बढ़ाई जाती है तो क्या होगा और पेनल्टी कितनी लगेगी, ये अब हम आपको बताने वाले हैं। दोस्तों, अगर ऑडिट रिपोर्ट हम लेट फाइल करते हैं और टाइम पर फाइल नहीं करते, जो ड्यू डेट है 15-1-2022 तक हम फाइल नहीं कर पाते, तो सेक्शन 271B के अंदर पेनल्टी लगेगी, जिसके अंदर लिखा है कि अगर पर्सन जो है वो अकाउंट्स ऑडिट नहीं करवाता या अपनी रिपोर्ट जो है वो फाइल नहीं करता, तो उस आदमी को जो पेनल्टी है असेसिंग ऑफिसर लगा सकता है। वो जो पेनल्टी होगी वो होगी 5% ऑफ टोटल सेल, टर्नओवर और ग्रॉस रिसीप्ट्स, और 1.5 लाख, यानी कि 5% और 1.5 लाख में से विच एवर इज लोअर पेनल्टी लगेगी। तो दोस्तों, ये पेनल्टी की क्लॉज है, लेकिन ये पेनल्टी की जो क्लॉज है ये ऑटोमेटिक नहीं है। इसके अंदर असेसिंग ऑफिसर को नोटिस आपको भेजना पड़ेगा कि ये पेनल्टी आपको लगाई जा रही है। जैसे कि 200 दूसरे सेक्शन 234F में लेट फीस लगाई जाती थी, वो लेट फीस ऑटोमेटिक थी, लेकिन ये पेनल्टी की क्लॉज है। और पेनल्टी की क्लॉज में नेचुरल जस्टिस का प्रिंसिपल देखा जाता है। जो पर्सन है उससे पूछा जाता है कि आपने ये डिले क्यों किया है। दोस्तों, क्या है कि क्या हम ये बचा सकते हैं? जी हाँ, हम ये बचा सकते हैं, क्योंकि जो पेनल्टी है वो तभी इम्पोज होगी जब हमारे पास कोई भी इसका डिले करने का रीजन हमारा नहीं है, कोई भी हमारे पास। तो पेनल्टी जो है वेव ऑफ हो जाएगी टैक्स पेयर को, अगर वो रीजनेबल कॉज प्रूव कर सकता है कि मैं ये डिले मैंने क्यों किया, नॉन कंप्लायंस मैंने क्यों किया, मैं क्यों नहीं रिटर्न अपनी टाइम पर भर सका, या क्यों नहीं मैं ऑडिट रिपोर्ट अपनी टाइम पर दे सका। अगर वो ये सेक्शन इसमें इनकम टैक्स में एक्ट में प्रोवाइड कराया गया है 273B, जिसके अंदर कहा है कि पेनल्टी एप्लीकेबल नहीं होगी अगर जेन्युइन रीजन है डिले का या नॉन फाइलिंग का, तो पेनल्टी जो है 273B के अंदर लिखा हुआ है कि लगाई नहीं जा सकती। हम आपको बता रहे हैं कि कुछ ऐसे रीजंस जिसके बीच में पहले अलग अलग कोर्ट्स ने जो अलाउ किया हुआ है कि ये रीजनेबल कॉज माना जाएगा। ये जो लिस्ट है ये पूरी एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है, यानी कंप्लीट लिस्ट नहीं है। इसमें अगर कोई आपका रीजन जो वैलिड और जेन्युइन है आप वो भी दे सकते हैं। तो सबसे पहला रीजन जो जिसके बीच में अप्रूव हो चुका है, पहले अलग अलग अथॉरिटीज ने इस रीजन को वैलिड माना है, वो है रेजिग्नेशन ऑफ टैक्स ऑडिटर। अगर टैक्स ऑडिटर रेजिग्नेशन दे देता है तो आपकी रिटर्न डिले हो जाती है, तो ये वैलिड रीजन है डिले का। दूसरा है कि जो पार्टनर अकाउंट्स बना रहा था, फिजिकल इनेबिलिटी हो जाती है या डेथ हो जाती है तो भी वो वैलिड रीजन माना जाएगा डिले का। या कंपनी के अंदर क्या है, जो पर्सन है उसकी लेबर का इश्यू आ जाता है, कोई स्ट्राइक हो जाती है, कोई लॉकआउट हो जाता है फैक्ट्री के अंदर, और इस वजह से वो डिले हो गई रिटर्न भरनी, तो वो भी वैलिड रीजन माना जाता है। और चौथे नंबर पे जो एग्जाम्पल है वो है कि अगर आपके अकाउंट्स गुम हो गए, थेफ्ट हो गई, फायर हो गई इसकी वजह से, या कोई और रीजन जिस जो कि आपके कंट्रोल में नहीं था उसकी वजह से आपके जो अकाउंट्स है वो गुम हो गए, या कुछ और प्रॉब्लम आ गई आपकी, तो भी आपका वैलिड माना जाएगा और पेनल्टी नहीं लगेगी। इसी प्रकार नेचुरल क्लैमिटीज आ जाती हैं तो भी आप रिटर्न उसकी वजह से नहीं भर सकते, तो ये तब भी आपको पेनल्टी नहीं लगाई जा सकती। तो दोस्तों, अब जो इस टाइम कोरोना आया हुआ है, ओमिक्रॉन आया हुआ है, और दूसरी सारी लॉकडाउन भी कई स्टेट्स में लगा हुआ है, तो ये सारी रीजंस जो है बिल्कुल वैलिड है रिटर्न की ड्यू डेट के टाइम पे ना भरे जाना। यानी कि अगर आपका टैक्स ऑडिट रिपोर्ट आप टाइम पर नहीं भर पाते और आपको असेसिंग ऑफिसर पेनल्टी का
नोटिस इश्यू कर देता है, तो आप कह सकते हैं कि कोरोना की वजह से मैं नहीं भर पाया या कोरोना की वजह से लॉकडाउन हो गया था, तो इस वजह से मैं अपनी रिटर्न जो है टाइम पे नहीं भर पाया, तो ये बिल्कुल वैलिड है। तो ये कोरोना को सरकार को भी देखते हुए वैसे तो ड्यू डेट को ही बढ़ा देना चाहिए। दोस्तों इसी के बारे में सीए एसोसिएशन ऑफ सूरत ने भी एक व्यू रखा है, जिसके अंदर उन्होंने एडवाइजरी इशू की है टैक्स प्रोफेशनल्स के लिए। वो कह रहे हैं कि हमें अपना ड्यू डेट्स के प्रेशर के अंडर नहीं आना चाहिए, बिल्कुल भी क्वालिटी ऑडिट को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए, और जो है हमारे को अपनी फैमिली और अपने हेल्थ का रिस्क नहीं लेना चाहिए। जो कॉस्ट है, जो पेनल्टी है, वो आपको जैसे बताया कि 0.5% ऑफ टर्नओवर और 1.5 लाख विच एवर इज लेस है, तो ये पेनल्टी भी जो आपको रीजंस बताए हैं, अगर हमारे पास कॉज है, रीजनेबल कॉज है डिले का, अपलैंड अथॉरिटी के पास जाकर उसको वेव ऑफ करवा सकते हैं। तो हमें बिल्कुल भी कोई ब्लंडर मिस्टेक नहीं चाहिए कि ड्यू डेट के दबाव में हम आकर गलत ही टैक्स ऑडिट की रिपोर्ट भर दें, और अपने क्लाइंट्स को समझाना चाहिए। दोस्तों हम भी इससे सहमत हैं कि ड्यू डेट के प्रेशर में आके कोई भी रिटर्न जो है गलत नहीं भरी जानी चाहिए, हमें जो है क्वालिटी ऑडिट ही करना चाहिए। जो सीएज है उनको क्वालिटी ऑडिट पर ही ध्यान देना चाहिए। आपको अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे टैक्स न्यूज़ इंडिया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए।